बहुत बहुत आदाब। और सबसे पहले मुझे बुलाया गया है, मैंने सोचा था कि काफ़ी लोग पढ़ लेंगे तो मैं बोलूँगी कि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर अब फैज़ साहब के लिए सबसे पहले मैं ही हूँ, तो किताबें पढ़ते हुए फैज़ साहब के बारे में एक बात समझ आई कि इनकलाबी शायर है। इनकलाबी यानी रोमांटिसिज्म के साथ और प्रगतिशील विचारधारा को रखना बहुत दुर्लभ है। और एक शब्द है उनके लिए, आसमान अदब का आफ्ताब, ये बात कही है जोश मलिहावादी ने उनके लिए। और बहुत मुकम्मल बात है, अगर मैं इसको बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि फैज साहब की शख्सियत क्या रही होगी। वो कह रहे हैं कि मेरा साहिल अब सामने आ चुका है, मेरी कश्ती के बादबान लपेटे जा रहे हैं, लेकिन डूब जाने से पेशतर यह कह देना चाहता हूँ कि मैं इत्मीनान से मरूंगा, और महज इस बिना पर कि उर्दू अदब के एक मल्लाह को अपने पीछे छोड़े जा रहा हूँ, और उस मल्लाह का नाम है फैज़। हम मुसाफिर यूं ही मसरूफ़े सफ़र जाएंगे, हम मुसाफिर यूं ही मसरूफ़े सफ़र जाएंगे, बेनिशां हो गए जब शहर तो घर जाएंगे। किस कदर होगा यहाँ मेहर व वफा का मातम, हम तेरी याद से जिस रोज़ उतर जाएंगे। जौहरी बंद किए जाते हैं बाजार सुखन, जौहरी बंद किए जाते हैं बाजार सुखन, हम किसे बेचने अलमास व गुहर जाएंगे। नेमते जीस्त का ये कर्ज चुकेगा कैसे, लाख घबरा के ये कहते रहें मर जाएंगे। शायद अपना भी कोई बैत खुदी ख्वां बनकर, शायद अपना भी कोई बैत खुदी ख्वां बनकर, साथ जाएगा मेरे यार जिधर जाएंगे। फैज़ आते हैं रह इश्क में जो सख्त मकाम, फैज़ आते हैं रह इश्क में जो सख्त मकाम, आने वालों से कहो हम तो गुजर जाएंगे। शुक्रिया।